परम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पार्ट्स लास्ट वीक का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी मोबाइल के वैल्यूम को थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा, और चूंकि पेड मेंबर्स हो आप लोग तो आप लोग हेडफोन यूज कर सकते हो, और हेडफोन अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप क्लासेज अभी ऑनलाइन करने वाले हो तो ईयर पेन भी हो सकता है, ऐसे में आप लोग अपने रूम को लॉक करना और एकदम इसको किसी दीवार के पास ले जाके मोबाइल को ऐसे सटा देना, जिससे कि हम लोग जो भी लेक्चर्स बोलें उसकी आवाज़ आराम से आपके कानों तक पहुँचे। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको थोड़ा सा एक प्लान बताता हूँ कि स्टडी करनी कैसे है। आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए वो जो स्प्रैंकल वाला होता है, या फिर आप A4 साइज का मार्केट से पेज उठा लो। क्या उठाना है? A4 साइज का पेज उठा लो। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसको स्टेपलर करते चले जाना, या फिर आप रफ कॉपी, क्लास जो भी नोट्स वगैरह आपके पास होते हैं उसको भी कैरी कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊँगा जिसमें मैं आपको, अभी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंपटीशन एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। तो आप मेरे को बता भी देना व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके कि सर मेरे से इस, देखो यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि मेरे से इंटरेक्ट होते रहना है। जो भी मेंटर्स हैं धीरे धीरे करके, अभी तो स्टार्टिंग है क्लास की ना, तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेगा, एक्स वाई पे हम लोग का स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा, अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, चूंकि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो टेंशन देगा ही देगा भाई। और मैं बोलूँगा टेंशन नहीं लेना है तो इसका मतलब आप टेंशन, ऐसा तो नहीं नहीं लोगे, टेंशन तो लोगे, टेंशन लेना भी चाहिए, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है टेंशन नहीं लेना है वो ये वाला है ना कि मतलब छोड़ के मत बैठ जाना, जिसको बोलते हैं गिव अप करना, वो नहीं करना है, ठीक है। कई बार होता है हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा पढ़ाई किए और फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ठीक है नहीं समझ में आया इसको छोड़ ही देते हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने लेक्चर को रखूँगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूँगा। आप बोलोगे तो मैं गाना भी गा दूँगा, बोलोगे थोड़ा सा मैं डांस करके भी दिखा दूँगा, शायरी भी कर दूँगा, जैसा आप बोलोगे उस तरीके से मैं काम करूँगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको अपना एक नोटबुक लेना है और जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ इस सिलेबस को नोट करना है। ये सिलेबस आपको अपने स्टडी मटेरियल कॉलम में भी जाएगा, सेम एकदम यही PDF जाएगा, तो डिफरेंस दोनों में क्या होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा एक्सप्लेन करके बताऊँगा, हल्का सा क्या करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, ओके। देखो ये है हिस्ट्री इतिहास सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करूँगा मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, कि आपका जो ये सिलेबस होने जा रहा है ये पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी लेवल या कि या फिर पेट या फिर टेट के आसपास तक ही इर्द गिर्द घूमेगा। UPSC से दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं होगा, PCS से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा, हाँ लेकिन अगर फैक्चुअल पॉइंट्स की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो वहाँ पर ये हल्का सा टचअप में रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि 12वीं के बच्चे होंगे, जो मैथ बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, तो आपके लिए यहाँ पे ना सब कुछ नया होने वाला है, क्योंकि मैं भी मैथ बैकग्राउंड से ही रहा हूँ। मेरे टाइम पे भी जब मैं हिस्ट्री को पहली बार मैंने सुना तो मेरे को भी एकदम पल्ले नहीं पड़ा था, बट एकदम श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री बोरिंग नहीं है अगर थोड़ा सा मन लगाया जाए तो। क्योंकि ये जो कहानी है ये किसकी कहानी है, हम लोग से मुश्किल से 100 साल पुरानी मॉडर्न हिस्ट्री, 100 साल भी पूरा नहीं हुआ अभी। और अगर हम लोग एंशियंट की बात करें तो वो मानव सभ्यता की क्या है, उत्पत्ति है, तो ये बोरिंग कैसे हो सकती है। जिस सब्जेक्ट्स में हम ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस की बात करते हैं वो बोरिंग तो हो ही नहीं सकती है। एग्जैक्टली हमारा राइट बनता है कि हम लोग जिस तरीके से कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, सल्फर के बारे में पढ़ते हैं, साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें खुद के बारे में भी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा कि हमारी वर्जिन, हम किस तरीके से डेवलप हो रहे थे, हमारी सिविलाइजेशन किस तरीके से रही और किस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ, अगर हम लोग मॉडर्न की बात करें, फिर हमारा देश बीच में जब मिडावल हिस्ट्री में बहुत सारे एम्पायर्स आए, बहुत सारे शासक आए, राज किए, भाई इंटरेस्टिंग हुआ है ये तो जानना चाहिए हमारे देश में कैसे क्या हो रहा था। चूँकि हिस्ट्री दो पार्ट में है, अगर किसी कंपटीशन में देने जाते हो तो एक तरह से आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे या फिर इंडियन हिस्ट्री देखोगे, तो आपको ध्यान देना है कि आप जो अपने एग्जाम में देने जा रहे हो वहाँ पे आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा कि क्या पूछा जाएगा, बहुत ही मतलब सेलेक्टेड टॉपिक्स है वो मैं बताऊंगा, ठीक है।
तो इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट किया जाए? ओके गाइज, तो हाँ अच्छा हाँ, और आपसे एक और निवेदन है कि अभी ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग किसी स्कूल से आए हो, किसी कोचिंग में भी गए होगे, तो आपके पास जितने भी दोस्त आ रहे हैं, आप BHU पाठशाला के कोर्स के बारे में उन्हें ज़रूर बताएं अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तब, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से, मैं बोला ना चूंकि स्टार्टिंग है अभी, आप देखना बहुत ही बेहतर तरीके से हर एक क्लास, हर एक नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, पहले स्लाइड पे आते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, एक्चुअली जो हिस्ट्री है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो हिस्ट्री डिवाइड है 3 पार्ट में। कितने में डिवाइड है? 3 पार्ट में, जिसमें से जो पहला पार्ट है वो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको नोट कर लीजिएगा, प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने होते हैं वो हमारे पास पहला है स्टोन एज, जिसको बोलते हैं हिंदी में पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। अब चूंकि पाषाण काल में ज्यादा चीज नहीं, मेन जो पॉइंट्स आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा एग्जाम में वो है फायर यानी आग। ठीक है, आग। ठीक है, उसके बाद आपका पहिया। ठीक है, उसके बाद आपका एक हो गया औजार या हथियार। ठीक है, औजार या हथियार। और इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं, पहला चावल का दाना, थोड़े मोड़े खेती कहाँ हुई थी, कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि जब मैं इस टॉपिक को ले आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक तो हम लोग पढ़ा जाएगा ना, स्टोन एज पूरा टॉपिक होगा, एक पूरा लेक्चर ही होगा, तो इसको पढ़ा जाएगा फिर अच्छे से। उसके बाद है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुहा की सभ्यता, और ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन यानी कांस्ययुगीन सभ्यता, मतलब इसका बहुत सारा नाम है, और ये हर एक नाम ही इसका एक क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात, इसका हर एक नाम ही क्या है? क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छे तरीके, मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेसेस पढ़ेंगे हम लोग, यानी स्थान पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन प्लेस की, कौन कौन डिस्कवरी किया, क्या क्या पाया गया, यानी हम लोग सामान के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कौन कौन से चीज़ कहाँ पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे, और ये बेसिकली इंडिया में कहाँ तक फैला था ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ये इंडिया के मैप में कहाँ तक फैला रहा ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा एरिया जो है इंडियन सिविलाइजेशन का रहा है, तो इसका दक्षिणी छोर, उत्तरी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, ये जहाँ तक भी रहा, किन किन नदियों के किनारे कौन कौन से साइट्स इसके पाए गए, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये पूरा सुदगाडोर हो गया, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत प्रॉपर वे में वीडियो लाएंगे। उसका वैदिक पीरियड क्या है? वैदिक पीरियड जिसको बोलते हैं वैदिक काल, इसमें हम लोग वेद के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और यहाँ से एक तरह से टर्निंग है डेवलपमेंट, क्योंकि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक पीरियड है इसमें थोड़ा सा गैप मिलता है, उसके बीच का जो इतिहास है वो गैप में है, लेकिन वैदिक के बाद फिर आपको कंटिन्यूअस बिना ब्रेक का इतिहास मिलेगा। तो हम लोग वैदिक पीरियड पर सीधे चलेंगे और वेद के बारे में जानेंगे। सर थोड़ा चेक कीजिएगा स्क्रीन पर, आपकी एवरीथिंग गोइंग वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स को जो कि प्रॉपर वीडियो आएगा। उसका 16 मेगा डिस्ट्रिक्ट, 16 महाजनपद। क्या 16 महाजनपद? जिसमें हम लोग बेसिकली एकदम डायरेक्टली 16 महाजनपद को जानेंगे, और उसके राजा और उसके कैपिटल को जानेंगे, और उन्होंने क्या निर्माण कराया अपने शासनकाल में अपने क्षेत्र में, उसके बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से वो एक दूसरे से कोलैप्स होते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो हम लोग 16 मेगा डिस्ट्रिक्ट, 16 महाजनपद में पढ़ेंगे। उसके बाद बुद्धा रिलीजन क्या है? बुद्धा रिलीजन, ये बहुत, मतलब ये समझ लो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, कि बौद्ध धर्म यूनिवर्सिटी के बाद वनडे एग्जाम, PCS, UPSC, या फिर आप मे भी मान लो सेमिनार को ज्वाइन कर रहे हो एज ए बहुत बड़े स्कॉलर, ये टॉपिक कभी नहीं छूटेगा। यही नहीं, जैन धर्म भी, सनातन धर्म, यानी जो इवन BHU ने, तो BHU आपको पता होगा यहाँ पे एक नया हिंदू स्टडीज एक टॉपिक ही, एक कोर्स ही लॉन्च कर दिया है, समझ रहे मेरी बात?
यूजीसी ने 14 यूनिवर्सिटीज में हिंदू स्टडीज़ का कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप लोग अभी यूजी स्टूडेंट हो, आप लोग जब पीजी में जाना तो आप लोग क्या करना, आप लोग भी हिंदू स्टडीज़ के बारे में एक बार मेरे से ज़रूर बात करना, मैं बताऊंगा उसमें क्या पढ़ना रहता है और उसमें जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो हिंदू स्टडीज़ वो तो अलग टॉपिक है। तो बुद्धा रिलीजन मतलब पर्सनली इनका बेसिक इंट्रो, इनका जीवन परिचय, इनके इनकी जो शिक्षाएँ, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं और इनके प्रिंसिपल्स का जो अप्लीकेशन है वो हम लोग बेसिकली डायरेक्टली पढ़ेंगे पूरे पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये तमाम चीज़ें जो हैं कब कहाँ बोली गई और इसी में इनके फोर जिसको बोलते हैं बौद्ध संगति, ठीक है, बौद्ध काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें कितने तीर्थंकर आए, ठीक है, जैन धर्म में के फाउंडर कौन है और इसमें ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, तमाम बातें जो हैं वो हम लोग जैन में समझेंगे। इसके जस्ट बाद है मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, इसके फाउंडर और इसके लगभग चार बड़े ही फेमस किंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अशोका हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य हैं ही, और इन्होंने इनके अशोक के दो एक बेटे और बेटी बौद्ध के प्रचार के लिए पूरे अक्रॉस द इंडिया जो टूर किए उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक पॉइंट जो ध्यान देना रहता है वो ये रहता है कि बौद्ध जो है वो बौद्ध सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बौद्ध को नहीं मानते हैं, यानी वो बौद्ध धर्म के फॉलोअर नहीं है, लेकिन उसी डायनेस्टी के जो अशोक हैं वो किसके फॉलोअर हैं, बौद्ध धर्म के फॉलोवर हैं। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट्स को भी हम लोग समझा जाएगा। तो पर्टिकुलर मौर्य डायनेस्टी और पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी मौर्य उत्तर काल के बारे में भी पढ़ेंगे, सातवां और आठवां पॉइंट्स, ठीक है। तो ओके गाइज, ये रहा हमारा एंशेंट हिस्ट्री का लगभग कंप्लीट टॉपिक। ओके, अब हम लोग आते हैं मिडावल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास बहुत अच्छा है। मध्यकालीन इतिहास में तो पहला बहुत ही मतलब हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है कि पहला आक्रमण, ठीक है, अरेबियन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। 712 करके इतनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान ले लेना, और ये आपका 1760 यानी वो मुगल डायनेस्टी का जो एम्परर रहा है औरंगजेब, उसके मरने से एक तरह से मिडावल हिस्ट्री जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इसमें हम लोग जो पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इसके डिटेल नहीं पढ़ने हैं, बस कि मुहम्मद बिन कासिम कौन था, किस वंश से था, कहाँ से आया था, तमाम चीज़ें रहेंगी इसमें। फिर उसके बाद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि ठीक है, उसके बाद हम लोग गोरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्लाव डायनेस्टी यानी मुगल यहाँ पे गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये क्या है, टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से एक तरह से वंश राज करना शुरू करेगा इंडिया में, भारत में क्या करेगा, वंश पूरा राज करेगा। तो स्लाव गुलाम वंश के बारे में, फिर खिलजी, हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुगल डायनेस्टी, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे काल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ जानना है हमें, पूरा मतलब एक तरह से पीरियड है, पूरा एक एरा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि सर इतने सारे जो वंश हैं इसमें हम लोग कन्फ्यूज तो नहीं होंगे, वो मेरी गारंटी है। आपको मैं ट्रिक दूंगा, आपको नोट्स दूंगा और इससे रिलेटेड जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का जो एक नोट शॉर्ट नोट बन पाएगा वो एग्ज़ाम के पहले भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और अभी तो हम लोग जो एकदम पढ़ रहे हैं अच्छे से वो तो पढ़ेंगे ही, एग्ज़ाम के नज़दीक जाते जाते हम लोग इसको और कवर करके ले आएंगे कि ये पॉइंट बस पढ़ के जाना, ठीक है, इसलिए आप लोग। और मुगल डायनेस्टी को तो ध्यान देना क्योंकि मुगल डायनेस्टी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये मुगल डायनेस्टी ही है जो कि भारत पे राज तो किया लेकिन भारत को अपना समझ के राज किया। बाकी जो खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, गौरी, ये सब तो लूटने के पर्पज से थे, हमेशा इनकी इच्छा रही है कि यहाँ से लेके भाग जाओ देश से बाहर। लेकिन इन लोग का क्या था कि इन लोग यहीं पे डेवलपमेंट कर रहे थे, चूँकि इन लोग को लगता था कि अब भारत हम ही लोग का देश हो चुका है। वो बात अलग है कि फिर अंग्रेज आते हैं, फिर अंग्रेज राज करने लगते हैं, फिर देश आज़ाद हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं मुगलों को था कि हम लोग का देश ही यही है। तो इन लोग के समय में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे लाल किला है, ताजमहल है,
बहुत ऐसी चीज़ें हैं धरोहर के रूप में जो कि हमें जानना पड़ेगा, कौन बनवाया, कब बनवाया, इनके क्या प्रिंसिपल्स थे, इन्होंने कौन सी ऐसी नीति अपनाई, इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जो है मेरे दोस्त, वो हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मुश्किल से अभी 70 ईयर्स 75 ईयर्स से हुआ है, 70 साल 75 साल हमारे देश को हुए। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जितने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वो देश के लिए काफ़ी मतलब इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और जो एग्ज़ामिनर है या जो कमीशन है, जो कमेटी है एग्ज़ाम की, उनका भी मतलब एक तरह से माइंड सेटअप है कि अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछना है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिकली हमें जो फोकस करना है वो ज़्यादा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे लंबा जाएगा। बाकी तो मैं आपको ऐसे नोट्स दे दूंगा कि मतलब तुरंत बस वही पढ़ के जाओगे, जैसे एंशिएंट है, एंशिएंट में तो बस जो मैं दे दूंगा वही पढ़ के जाना, मिडावल में मैं जो दे दूंगा वही पढ़ के जाना, बगल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडर्न में भी मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा जब हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे मॉडर्न। अच्छा, मेरे को आप ये भी बताना, इस लेक्चर के बाद आप लोग तीनों हिस्ट्री में पहले कौन सा पढ़ना चाहोगे, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडावल, पहले क्या पढ़ना चाहोगे? तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें कई सारी कंपनियां आएंगी, उनका जो सीरीज है, किस तरीके से आते हैं, पहले कहां आते हैं, बड़े फैक्ट्स बनेंगे इसमें। ठीक है, देखो मैंने लिख भी रखा है, क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, मतलब वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं, पहले कौन आया, आप पहले, क्योंकि हमारे पास कई सारी 4-5 कंपनियाँ रहेंगी, तो उसमें पहले बाद हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ना ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है, भाई ये उन्हीं की कंपनी है और उन्होंने राज किया है, तो हर एक पॉइंट्स को समझना पड़ेगा कि पहले ईस्ट कंपनी कहाँ स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कौन था, वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, पूरी एक लिस्ट आएगी। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बोला गया, बंगाल कब बोला गया, वायसराय पद कब कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल और ओनली जनरल में क्या डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझना पड़ेगा, तो ये पूरी लिस्ट को हम लोग समझेंगे। अब उसके बाद आता है रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, धार्मिक सुधार आंदोलन। देखो धार्मिक सुधार आंदोलन, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जहां भी धर्म आए वो समझ लेना कि आपको पूरे जीवन पर्यंत काम आने वाला है, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध, चाहे यहां पे धार्मिक सुधार आंदोलन हो। इसमें राजा राम मोहन राय भी आएंगे, इसमें बहुत ऐसे ऐसे पर्सन्स के नाम आएंगे और उनके कुछ पॉइंट्स को हम लोग को समझना पड़ेगा। अब 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। अच्छा, जैसे ही ये वर्ड आता है हम लोग को लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं कि ये रिवोल्ट किस कारण की वजह से हुआ और हम लोग इसमें क्यों असफल रहे, कौन कौन से स्थान से कौन कौन राजा लीडरशिप कर रहा था। ठीक है, ये मेरठ से शुरू होकर कहाँ तक आखिर गया और क्या परिणाम रहे, और इसके बाद अंग्रेजों ने क्या सबसे बड़ा बदलाव किया, ये तमाम बातें हम लोग 1857 रिवोल्ट 1857 क्रांति में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ एक पूरी लिस्ट चालू होगी और एक पूरा एक लिस्ट में हम लोग अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और लास्ट में हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या अंग्रेज़ों को पता था कि ये ही ऐसी टीम है, यही ऐसी कमेटी है जो हमें फाइनली देश से बाहर जाना पड़ेगा, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर उन्हें पता था तो क्यों बनने दिए, किस कंडीशन में बना, पहली बार इसकी मीटिंग कहाँ हुई, कितने मेंबर्स थे, इसके कौन कौन से अध्यक्ष कहाँ कहाँ बने, कौन कौन सा शहर रहा, ये तमाम बातें जो है मतलब INC जो है वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद क्या है, ये नरम दल और गरम दल में टूट भी जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसके कौन कौन से लीडर रहे हैं, जैसे लालबाल पाल का नाम अक्सर फेमस रहा है, तो वो भी हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद क्या है, पार्टीशन, रोल ऑफ बंगाल, सूरत, बंगाल विभाजन जिसको बोलते हैं, इसके पॉइंट्स में पढ़ेंगे। फिर मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिंटो मार्ले, या फिर जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से आता है गांधी युग। एक्चुअली ना देखो, ये मैं पढ़ा रहा हूँ पॉइंट्स को थोड़ा सा
क्रोनोलॉजी को हटा दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँगा इसको तो कहानी में क्रोनोलॉजी में समझा दूंगा कि आपको दिमाग में कहानी बन जाए कि 1857 क्रांति के बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा आपको उस कहानी सुनाने के बाद, तो वो मैं अलग अलग ला के रख दूंगा। जैसे महात्मा गांधी, पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो महात्मा गांधी का हर एक जो कारनामा है, जो उनका करिश्मा रहा है आज़ादी की लड़ाई में, वो मैं एक सेपरेट जगह रखूँगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेपरेट जगह रखूंगा, ठीक है। पूरी आज़ादी की लड़ाई को एक जगह रखूंगा, जितने भी रिवोल्ट हैं वो एक जगह रखूंगा। ये तमाम चीज़ें आपको जब लेक्चर्स आएंगे तब समझ में आने लगेंगे। जैसे हम इनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिविल डिस, इसमें हिंदी जब मैं लेक्चर लाऊंगा तो मैं उसमें मेंशन करता रहूंगा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ेंगे, अगस्त ऑफर क्या है, ठीक है। फिर इसका क्वाइट इंडियन मूवमेंट जो है वो पढ़ेंगे, फिर क्रिस्प मिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैबिनेट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो जो देश डिवाइड हुआ था उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा, उसके बाद हमारा INC की पूरी लिस्ट होगी और सुभाष चंद्र बोस होंगे। ये तो इसके बाद भी हमारे पास रहेगा, जिसको हम लोग अभी एक्स्ट्रा में रखेंगे, जो कि आप लोग के कमेंट के बेसिस पे मैं क्या करूँगा, आप लोग मेरे से कांटेक्ट में रहना, बताते रहना सर इसमें ये पॉइंट छूट रहा है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे माइंड में आ भी जाएगा। अभी फाइनल जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हम इतना हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि देखो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बेसिकली पहले 4-5 चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जैसे फिर स्वतंत्रता की लड़ाई जो है उसमें जो पूरी मूवमेंट्स चले थे पूरे, गांधी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, 1857 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ये तमाम चीज़ें हम लोग पहले पढ़ लेंगे। अच्छा, आपके आसपास अगर कोई भी तैयारी करना चाहता है तो आप उसे इस नंबर पर ज़रूर सजेस्ट करें, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो सिलेबस हैं उसको मैं और थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करके मैं आपके मटेरियल में डाल दूंगा, और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। और हर एक लेक्चर जब जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लेक्चर को फॉलो करिएगा, ओके। और हर एक टीचर अलग अलग होगा, लगभग अभी वो लोग मुश्किल से 1-2 डेज में अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। सो आप अभी जितना रेस्ट करना है कर लो, उसके बाद तो फिर बहुत बम्पर मज़ा आने वाला है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप बोर भी ना हो और अच्छे से स्टडी कर लें, ओके। हर महादेव जैसे कि राधे राधे, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, और सजेशंस अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो उसको आप बता सकते हो, बेसिकली हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, ओके। बाय बाय।